एकादशी की महिमा आप सभी एकादशी की महिमा से अवगत हैं, किंतु एकादशी व्रत की इतनी महिमा हमारे ऋषियों ने क्यों कही है, इसका भी कुछ उद्देश्य है, इसके पीछे भी कुछ उद्देश्य है। जैसे हम सभी मनुष्यों की स्वाभाविक वृत्ति भोगों की ओर होती है, यानी संसार की ओर होती है, ऐसे में भगवान की प्राप्ति भोगियों को नहीं हो सकती। भगवान की प्राप्ति के लिए जीवन में वैराग्य की आवश्यकता है, और उसी वैराग्य के लिए हमारे ऋषियों ने एकादशी तिथि को नियुक्त किया। एकादशी तिथि में यदि आप पूरे 15 दिन व्यस्त रहते अपने संसार की ओर, संसार के कर्मों की ओर, क्योंकि कर्तव्य हैं आपको निभाने पड़ेंगे, आप उनसे दूर नहीं जा सकते, किंतु 15 दिन के अंतर्गत एक एकादशी यदि आप रखते हैं और उस दिन संसार से विरत होकर के अपना मन इंद्रिय सात्विकता से प्रभु की ओर लगाते हैं, तो फिर ये बात बिल्कुल निश्चित है कि भगवत प्राप्ति आपको अवश्य होगी, क्योंकि आपने उन 15 दिन में एक दिन भी यदि प्रभु से जुड़ करके जीवन में सात्विकता को अर्जित किया है, उसके लिए ये एकादशी तिथि अति उत्तम है। तो यहाँ शास्त्रों में कहा है, एकादश्याम न भुंजीता पक्षयोर भयोरपि। एकादशी के दोनों पक्षों की एकादशी में हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। आप निर्जल व्रत रह सकते हैं, अति उत्तम है। जिनको सामर्थ्य है वो निर्जल व्रत रखें, सामर्थ्य नहीं है तो आप एक समय फलार करके रखें। यदि वो भी नहीं कर सकते हैं तो 2 समय फलार करें, किंतु एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस बार की आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी है। इस योगिनी एकादशी के अंतर्गत ऐसा फल है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है, उस एक एकादशी में है। इस एकादशी की क्या महत्वता है? आपके जीवन के कर्म प्रारब्ध के अनुसार जो भी कष्ट या रोग होने वाले हैं, यानी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कभी कभी ऐसे रोग भी हमें प्राप्त हो जाते हैं जिनको हम पथ्य चिकित्सा से सही नहीं कर सकते, अर्थात आप चाहे कितनी भी दवाइयां खाएं, कितनी भी शल्य चिकित्सा लें, लेकिन आप ठीक नहीं हो रहे, तो वो कर्मज दोष हैं। तो उन रोगों के निवारण के लिए ये योगिनी एकादशी है। भविष्य में या वर्तमान में आप रोग से किसी कारण से कष्ट में हैं, तो उस एकादशी का अपना सामर्थ्य है। इसीलिए ये एकादशी समग्र पापों का नष्ट करने वाली तो है ही, अपितु भगवान श्री हरि का प्रेम कराने वाली, उनकी सन्निधि प्रदान करने वाली है। इस बार की एकादशी 2 जुलाई को है। आपको 2 जुलाई को व्रत धारण करना है एकादशी का। अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप पारण कर सकते हैं। इस एकादशी की महिमा है कि कथा करते हुए, इस एकादशी की महिमा की कथा को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि एक बार मेरुगिरि पर्वत पर मार्कंडेय ऋषि विराजमान थे। तभी उन्होंने अपने आश्रम के निकट एक कोढ़ से युक्त, यानी कुष्ठ रोग से पीड़ित एक व्यक्ति को अपने समक्ष देखा। वो उनको प्रणाम कर रहा था। संत परोपकारी हृदय के होते हैं। उन्होंने जैसे प्रसन्नता से दंडवत प्रणाम करते हुए उस व्यक्ति को देखा, अनायास उनके मुख से आशीर्वाद निकला और वो पूछने लगे, तुम सात्विकता से युक्त दिखते हो, पर तुम्हें किस अपराध के कारण ये कुष्ठ रोग मिला है? तुमने ऐसा क्या गलत किया है कि तुम्हारे शरीर में अनेक प्रकार के कुष्ठ रोग हैं? वो व्यक्ति कहता है, महाराज मैं कुबेर का सेवक हूँ। शिव पूजन के लिए कुबेर भगवान मुझे मानसरोवर से पुष्प लेने के लिए भेजा करते थे। मैं उनकी पुष्प की सेवा किया करता था, किंतु एक दिन अपनी प्रिय पत्नी के साथ काम वासना में रमण करते समय मुझे समय का पता ना चला और मुझे विलंब हो गया पुष्प लाने में। ऐसे में जब कुबेर महाराज के पास सही समय से पुष्प ना पहुंचे, तो उन्होंने अपने ध्यान से मुझे पत्नी के साथ देखा, क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया, तुमने शिव पूजा का मर्यादा का उल्लंघन किया है, अपनी काम वासनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए शिव की आराधना में त्रुटि की है, इसलिए जाओ, तुम्हें कुष्ठ रोग हो और तुम अपनी प्रिय पत्नी से, जिसके कारण शिव आराधना में तुमने विघ्न की, उससे विच्छोह तुम्हें प्राप्त हो, इसलिए महाराज मैं कुष्ठ रोग से पीड़ित हूँ, अपनी पत्नी से भी दूर हो गया, अब आप ही मेरे कोई पुण्य कर्म है जिसके कारण आपका दर्शन हुआ है, अब आप ही हैं कि मुझे सही मार्ग बताएं, मेरे लिए जो कर्तव्य है मुझे अपराधी को बताएं। तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हे बालक, तुमने अपनी सारी चीजें मुझे सत्यता से प्रकट की, कुछ भी नहीं छुपाया, इसलिए आने वाली एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है। मैं कहता हूं मेरे कहने पर तुम इस एकादशी को रखो, तुम्हारे जितने भी पातक हैं वे सब मिट जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे कर्म के द्वारा ये अपराध बना है, इसलिए ये पथ्य चिकित्सा से तो नहीं जाने वाला, तुम व्रत करो, उससे तुम्हारे पाप नष्ट होंगे और इसी योगिनी एकादशी से
तुम समूल पवित्र हो जाओगे। ऐसा सुनकर कुबेर के उस अनुचर ने योगिनी एकादशी पर व्रत रखा, जिससे वह कुष्ठ रोग से रहित हो गया, कुष्ठ रोग मिट गया और प्रभु की प्राप्ति हुई। आप सभी भी इस योगिनी एकादशी को धारण करें, यानी व्रत रखें, अगले दिन पारण करें। आप सभी हरि भक्तों को जय श्री राधे।